नमस्कार, पैनोरमा लर्निंग आपका स्वागत करता है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लेकर के हाजिर हुए हैं अवार्ड जो कि अप्रैल 2019 में दिए गए हैं। इसमें वो अवार्ड की लिस्ट है जो इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स दिए गए हैं और अप्रैल महीने के यानी 2019 साल के अप्रैल महीने में जितने भी अवार्ड्स दिए गए और जो इम्पॉर्टेंट्स है उसके लिस्ट है। इससे हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, इसलिए आप इसे पूरा देखिए और इससे अपने नॉलेज को इन्हांस कीजिए, गेन कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैनोरमा लर्निंग में अवार्ड लिस्ट के बारे में। पहले अवार्ड आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज़ 2019। इसको ग्रीन नोबल प्राइज़ भी बोलते हैं, यानी कि जैसे नोबल प्राइज़ दिया जाता है उतना ही सम्मान इस प्राइज़ का भी है, गोल्डमैन इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल प्राइज़ का। अगर इन्वायरमेंटल के फील्ड में ये प्राइज़ किसी को मिलता है तो उसे नोबल प्राइज़ की तरह ही वो समझता है। यानी आपको यहाँ याद क्या करना है कि गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज़ 2019 को हम ग्रीन नोबल प्राइज़ भी कहते हैं। ये इस बार 6 इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट को दिया गया है, जिसमें इंडिया के एक भी इन्वायरमेंटलिस्ट का नाम नहीं है, पर्यावरणविद का नाम नहीं है, वो और देशों के हैं जैसे यूएस के हुए। पर वैसे ये अवार्ड पाने वाले हमारे इंडिया से भी लोग रहे हैं जो कुछ पिछले सालों में अवार्ड पाए हैं, गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज हमारे इंडियंस को भी मिला हुआ है, जिसमें कुछ नोटेबल पर्सन है, मेधा पाटकर, प्रफुल्ल समंतारा, रमेश अग्रवाल। इन लोगों को पिछले कुछ सालों में ये अवार्ड मिला हुआ है, यानी गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज इन लोगों को भी मिला है। अगला है रविंद्रनाथ लिटरेरी प्राइज 2019। रविंद्रनाथ लिटरेरी प्राइज 2019 यानी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला यह पुरस्कार है। तो ये किसे दिया गया है, याद करने के लिए है राणा दास गुप्ता। रविंद्रनाथ लिटरेरी प्राइज किसको दिया गया है, राणा दास गुप्ता को। और ये उनके किस काम के लिए दिया गया है, सोलो काम के लिए। किस काम के लिए, सोलो, यानी इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है, सोलो, इनका लिटरेचर का नाम है सोलो, इसी के लिए राणा दास गुप्ता को रविंद्रनाथ लिटरेरी प्राइज मिला है। ठीक है, अगला देखते हैं जो इम्पॉर्टेंट है इस सेक्शन में, पुलित्जर प्राइज। बहुत ही जरूर इम्पॉर्टेंट है और ये हमेशा पूछ लिया जाता है। तो 2019 का पुलित्जर प्राइज डिक्लेयर कर किया जा चुका है अप्रैल में, और इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि दिस प्राइज इज गिवन फॉर द अचीवमेंट्स इन न्यूज़पेपर्स, मैगजीन एंड ऑनलाइन जर्नलिज्म, लिटरेचर एंड म्यूजिकल कंपोजिशन। यानी इतने क्षेत्रों में दिया जाता है, कौन कौन से, न्यूज़पेपर फर्स्ट, सेकंड मैगजीन एंड ऑनलाइन जर्नलिज्म, थर्ड लिटरेचर और फोर्थ म्यूजिकल कंपोजिशन। यानी इन चार क्षेत्रों में दिया जाता है और ये कहाँ पर दिया जाता है, यूनाइटेड स्टेट में। तो यहाँ से कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं उनके मैंने नाम लिखे हैं, वो देख लीजिए। फिक्शन के क्षेत्र में द ओवर स्टोरी के लिए रिचर्ड पावर्स को ये पुलित्जर प्राइज दिया गया है। वैसे ही ड्रामा के क्षेत्र में फेयर व्यू के लिए जैकी सिविल्स ड्रूरी को दिया गया है पुलित्जर प्राइज। पोएट्री में बी विद पाई फॉरेस्ट गैंडर को दिया गया है। और अगर आप पूरी लिस्ट देखना चाहते हैं तो पुलित्जर प्राइज की वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं, और उसमें ऑटोबायोग्राफी के लिए भी दिया गया है और भी पार्ट्स हैं जिसमें 2-3 अवार्ड और दिए गए हैं। तो जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा मैंने यहाँ उसको कलेक्ट कर लिया है। अगला प्राइज पढ़ते हैं, कौन सा दिया गया है, सरस्वती सम्मान 2018। ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, के बिरला फाउंडेशन। ये भारत की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसमें कोई भी नोटेबल वर्क करने के लिए दिया जाता है, जो शेड्यूल 22 में ऑफिशियल लैंग्वेज दिया गया है उसमें अगर कोई लिटरेरी वर्क करता है तो उनको ही ये अवार्ड दिया जाएगा। और ये पिछले दस सालों में जो वर्क किए जाते हैं उन्हीं को ध्यान में रखा जाता है, इसमें कंसिडर किया जाता है। तो ये सरस्वती सम्मान के बारे में इतना ही था। सरस्वती सम्मान दिया जा रहा है इस बार के शिवा रेड्डी को, जिनको ये अवार्ड मिलेगा फॉर हिज वर्क। कौन सा वर्क है इनको, इन्होंने कौन सा वर्क किया है, पक्का की ओटी गिलाइट
जो कि कलेक्शंस ऑफ पोएट्री है, कलेक्शन ऑफ पोएट्री यानी पक्का की गोटी गिलाइट में क्या है, पोएट्री का कलेक्शन किया गया है। यहाँ पे और एक बात बता दूँ कि के बिरला फाउंडेशन ब्यास सम्मान जो मिलता है हिंदी के क्षेत्र में वो के बिरला फाउंडेशन ही देता है। कौन सा सम्मान? ब्यास सम्मान। तो इतना चीज़ आपको यहाँ से याद करने वाला है। अगला है यूनेस्को गिलेर्मो कैनो प्रेस फ्रीडम प्राइज 2019। ये 3 मई को भी न्यूज में था। यूनेस्को द्वारा ये प्रेस फ्रीडम प्राइज दिया गया है 2019 में। ये किसको दिया गया है? वालोन और क्या सो ऊ को, जिन्होंने म्यांमार में रोहिंग्याज के खिलाफ हुए अत्याचारों के लिए डॉक्यूमेंट्री बनाई थी राखीन क्षेत्र में। तो इसलिए ये अवार्ड इन लोगों को दिया गया है, इनके वर्क को रिकॉग्नाइज किया गया है। ये दोनों लोग रिउटर्स के रिपोर्टर हैं, ठीक है। और इसमें जो अवार्ड मनी दी जाती है $25,000, इतने रुपीज दिए जाते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट था इसमें, जिसमें गिलेर्मो कैनो प्रेस फ्रीडम प्राइज 2019 मिला है वालोन और क्या सो ऊ को। तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन सिंपल सा पूछ लेता हूँ कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, आपको कमेंट में बताना है यूनेस्को का फुल फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रूज द अपोस्टल, ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रूज द अपोस्टल, ये अवार्ड मिला है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। किनको प्राइम ये अवार्ड मिला है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ये अवार्ड दिया है रसिया ने अवार्ड दिया है प्राइम मिनिस्टर को, हमारे प्राइम मिनिस्टर को। किस लिए अवार्ड मिला है? फॉर प्रोमोटिंग बायलेटरल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप, यानी कि बायलेटरल रिलेशन को, स्ट्रेटजिक रिलेशन को अच्छा करने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए ये अवार्ड रसिया ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया है। इससे हमारे इंडिया और रसिया के बीच जो रिलेशन है वो और बढ़ेगा, अच्छा होगा, ठीक है। तो ये था ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द पोस्टल अवार्ड जो नरेंद्र मोदी को मिला है। एक और अवार्ड है जो हमारे प्रधानमंत्री को मिला है, UAE के द्वारा दिया गया है, यूनाइटेड अरब अमीरात के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर को ये अवार्ड दिया है, जो कि हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है UAE का। यहाँ पे नरेंद्र मोदी ना नहीं लिख पाए, छूट गया है, तो PM नरेंद्र मोदी, इनको हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला है। और इसे हम बोलते हैं जायद मेडल, वहाँ पे UAE का जो ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है उसे क्या बोलते हैं? जायद मेडल, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मिला है। अगला है दीपा मलिक से रिलेटेड न्यूज है। दीपा मलिक गेट्स न्यूजीलैंड PM सर एडमंड हिलरी फेलोशिप। तो दीपा मलिक को न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर के नाम पे जो अवार्ड है सर एडमंड हिलरी फेलोशिप, वो फेलोशिप दीपा मलिक को मिल गया है। और ये इस एडमंड हिलरी फेलोशिप के बारे में थोड़ी सी बता देते हैं कि दिस प्रोग्राम ये रन कर रहा है 2008 से रन कर रहा है। और इस प्रोग्राम का एक एम है टू स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड, यानी कि रिलेशनशिप इंडिया का और न्यूजीलैंड का स्ट्रेंथ करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए ये फेलोशिप दिया जाता है। आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछने वाला हूँ मैं, आप इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट में दीजिएगा। दीपा मलिक पैरालंपिक्स में किस गेम से जुड़ी हैं, किस गेम से जुड़ी, यानी पैरालंपिक्स में किस गेम्स में इनको अवार्ड मिला था, ठीक है, इनको मेडल मिला था पैरालंपिक्स में, तो ये कमेंट में लिखकर बताइएगा। तो इस तरह से 2 क्वेश्चन हो गए आपको, एक तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यूनेस्को का फुल फॉर्म आपको बताना है, यूनेस्को का फुल फॉर्म आप बताना है, और दूसरा है कि दीपा मलिक को पैरालंपिक में किस गेम के लिए मेडल इन्होंने जीता था, ठीक है। तो आपको ये बताना है, 2 क्वेश्चन हो गए, यूनेस्को और दीपा मलिक से रिलेटेड पैरालंपिक्स में किस गेम के लिए इन्होंने अवार्ड या मेडल जीता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, आपको अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप कृपया करके लाइक और शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।